दोस्तों, आज मैं आप लोगों से भरवा करेला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज के करेले ले लिए हैं और जिसे अच्छी तरह से हम लोग क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके हम लोग उसका ऊपर वाला जो माथा वाला पोर्शन है वो कट कर लेंगे और टेल वाला पोर्शन कट कर लेंगे। बीच से हम लोग कट कर लेंगे और फिर उसके अंदर जो है गुदा वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसे भरवा करेला बनाना है। मसालों के लिए हम लोग प्याज को कट करेंगे। एक ही प्याज मैंने यहाँ पे लिया है, जिसे स्लाइस मैंने रफली स्लाइस कर लिया है और उसे हम लोग डाल देंगे मिक्सर जार में, क्योंकि हम लोगों को इसे पेस्ट बनाना है। और डेढ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सरसों लिया है, ये पीला वाला सरसों है। आपके पास जो सरसों होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी भी डाला था, क्योंकि मिक्सर जार में जब हम लोग पीसते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप सील में पीस रहे होंगे तो ये मसाला जो है आपका थोड़ा सा हार्ड बनेगा, लेकिन मैंने मिक्सर में पीसा है इसलिए थोड़ा सा लिक्विडी है। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हम लोग कलर के लिए, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और अमचूर पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे। आपके पास यदि अमचूर पाउडर नहीं हो तो चाट मसाला या कच्चा आम को भी आप मसालों के साथ ही पीस ले। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर यूज़ किया है और सभी को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, ये मेरी माँ का रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है कम ऑयल में, और इतना टेस्टी इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, दाल चावल के साथ जैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप लोग एक बार नहीं बनाने से बिलीव नहीं कर पाइएगा कि कितना टेस्टी लगता है। और मसालों को जो है हम लोग भर देंगे करेले के अंदर। और यदि आप चाहे तो इसे ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी ही अच्छा लगता है। और सारे जो करेले हैं हमने भर दिए हैं, और इसे जल्दी से बनाने के लिए हम लोग प्रेशर कुकर लेंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और कटोरे को धो पोछ के मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी भी डाल दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है, यह ऑप्शनल था, आप लोग चाहे तो डालें वरना ना डालें। और मैंने चाट के देखा था कि थोड़ा सा नमक कम है, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन जो है हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और 2 सीटी हम लोग इसे लगा देंगे मीडियम फ्लेम में। 2 सीटी लगने के बाद जब प्रेशर अपने आप निकल जाए उसके बाद ही कुकर खोलें, क्योंकि ये जो बड़े वाले करेले होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। देखिए हमारा भरवा करेला कितना यम्मी बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।